बढ़ते खबरों में आगे, खबर मेरठ से है जहां पर पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ बड़ा एक्शन बताया जा रहा है कि याकूब कुरैशी 31.70 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। बताया जा रहा है कि डीएम ने संपत्ति कुर्क करने के जारी किए हैं आदेश। सीओ किठौर में संपत्ति का प्रशासन और प्रशासक बनाया गया है। पुलिस तैयार किया गया था याकूब की संपत्ति का ब्यौरा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पुलिस ने तैयार किया था याकूब की संपत्ति का ब्यौरा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। बताया जा रहा है कि मेरठ से जहां पर पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। याकूब कुरैशी की 31.70 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क होगी, डीएम ने संपत्ति कुर्क करने के जारी किए आदेश। ये बड़ी जानकारी, बताया जा रहा है कि सीओ किठौर को संपत्ति का प्रशासक बनाया गया था, पुलिस ने तैयार किया था याकूब की संपत्ति का ब्यौरा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, याकूब कुरैशी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मेरठ से एक खबर जहां पर पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। याकूब कुरैशी की 31.70 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क होगी, डीएम ने संपत्ति कुर्क करने के लिए जारी किए हैं आदेश। बताया जा रहा है कि सीओ किठौर को संपत्ति का प्रशासक बनाया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि याकूब कुरैशी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रशासन एक्शन मोड में, पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ बड़ा एक्शन। तो ये बड़ी जानकारी बता दें कि याकूब कुरैशी की 31.70 करोड़ की अवैध संपत्ति होगी कुर्क। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीओ किठौर को संपत्ति का प्रशासक बनाया गया है, पुलिस ने तैयार किया था याकूब की संपत्ति का ब्यौरा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेरठ से खबर जहां पर पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ बड़ा एक्शन, याकूब कुरैशी की 31.70 करोड़ की अवैध संपत्ति होगी कुर्क, डीएम ने संपत्ति कुर्क करने के लिए जारी किया आदेश। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज गुप्ता मेरठ से जुड़ रहे हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, ये खबर सामने आ रही है कि याकूब कुरैशी की अवैध संपत्ति के 31.70 करोड़ रुपए अब कुर्क होगा, क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में? कि जो पुलिस है वो लगातार याकूब की जो संपत्ति है उसको चिन्हित कर रही थी, उसका निरीक्षण कर रही थी, और जिसमें 31.70 करोड़ की जो उसकी संपत्ति है वो चिन्हित की गई थी, और उसमें जो मेजर डीएम है दीपक मीणा, उन्होंने आदेश दिया है उनको पुष्टि करने का, और इसको जो किशोर सीओ है उसकी जिम्मेदारी भी कल और परसों वहां पर पुष्टि की जाएगी। जी, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अग्रिम कार्रवाई की अगर बात किया जाए, या याकूब कुरैशी के खेमे से अगर आपकी बातचीत हुई हो या बसपा के किसी नेता से बातचीत हुई हो इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, याकूब जो कुरैशी है वो अभी भी फिलहाल जेल में है, उसकी जो मुश्किलें है वो कम होती यहाँ पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो मेरठ जो एसएसपी है पिछले काफी लंबे समय से जो याकूब की संपत्ति है उसको चिन्हित कर रहे थे, और चिन्हित के बाद अब 31.70 करोड़ की जो उसकी संपत्ति है उस पर उसको कुर्क करने का काम मेरठ पुलिस को कल और दो दिन के अंदर यानी कि कल और परसों करेगी, जिसका जो मुख्य जो अधिकारी मान रहे हैं जो किशोर सीओ है उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जी पंकज, अगर बात किया जाए तो 31.70 करोड़ का ये जो ब्यौरा तैयार किया गया है, किस तरीके से, क्या पैरामीटर रहे हैं, किस तरीके से इसको तैयार किया गया? याकूब की जो संपत्ति थी, सबसे पहले तो हम बात करें कि जो कार्रवाई हुई है, याकूब जब यानी कि हम मेरठ से फरार हुआ था, नीट कांड को उसकी फैक्ट्री से नीट पकड़ा गया था, उसके बाद से याकूब फरार था, उसके बाद मेरठ पुलिस से थाना खरगोदा में गैंगी सर का मामला गया था, और जो ये कार्रवाई यानी कि जो 81 और 82 की जो कार्रवाई याकूब के यहाँ होनी है वो गैंगी सर के मामले में कार्रवाई होनी है, हालांकि जो याकूब है वो अभी